हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड और आलू से नाश्ता। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन के हो जाता है तैयार। उसके लिए मैंने 5 आलूओं को बॉईल कर लिया है 2 बिछलाने तक। उसके बाद एक बड़ा प्याज कट करके डाल दिया है बारीक, और 2-3 हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए, और डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसालों को, आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैंने पहले ही ठंडा कर लिया है। गरम आलू में हम मसाले डालते हैं तो आलू लूज हो जाते हैं और हमारी स्टफिंग बेकार बनती है। आलू को हाथों से ही मैश किया है, कद्दूकस मैंने नहीं किया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। आप चाहे तो एक बार इसको टेस्ट कर सकते हैं नमक मिर्ची के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ब्रेड। तो ब्रेड की जो किनारी है इसको साइड से चाकू से हटा देंगे, और आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वो है कि थोड़ा जोड़ जो लगता है वो थोड़ा खुलने का डर रहता है और थोड़े ज़्यादा करारे करारे बन जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं 2 ब्रेड के स्लाइस बना लिए हैं और साइडों से किनारी हटा दी है, और 2 ब्रेड को ऐसे ही बनाऊँगी, उनकी किनारी मैं नहीं हटाऊँगी। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग पहले ही तैयार है, और यहाँ पर इसके सिलेंडर शेप में मैंने गोले बना के रख लेने हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं और इनके गोले बना कर रख लें। इस तरीके से किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर शेप दे दी है गोले को, और एक बाउल में ले लिया है पानी। ये आप ज़रूर बना के देखें, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बन के तैयार होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसको खाएंगे ना तो समोसे वगैरह खाने का भी मन नहीं होगा, ये इतना स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही आसानी से बनकर हो जाता है तैयार। तो यहाँ पर ब्रेड को मैंने हल्का एक साइड से पानी में डिप कर लिया है और हथेली से दबाकर निचोड़ दिया है। उसके बीच में जो स्टफिंग का लड्डू बना के रखा था उसको रख के और इस तरीके से उसको कर लिया है बंद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो स्टफिंग हमारी वो कवर हो गई है, और एक सर्कल यानी कि सिलेंडर शेप में मैंने उसको बना लिया है। अभी दूसरे ब्रेड को भी सेम इस तरीके से हल्का सा एक साइड से पानी में डिप करेंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है और वो अपने आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा पानी में डिप करने के बाद। उसको हथेली से दबाकर हल्का सा निचोड़ लें और बीच में रख के स्टफिंग इस तरीके से आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। अगर आप इसको बनाकर खाएंगे तो आप समोसे खाना भी भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ही मैंने किनारी नहीं हटाई है इस ब्रेड की, इसको मैं इसी तरीके से पानी में डिप कर लिया है सेम प्रोसीजर से, और उसको हथेलियों से दबाकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। इसके बीच में रख दिया स्टफिंग, और ये किनारी थोड़ी कड़क होती है तो चटक जाती है, लेकिन वही है कि पानी से सॉफ्ट हो जाता है ब्रेड, काफ़ी सॉफ्ट होता है। यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से कर लिया है बंद। तो ये भी हमारा सर्किल लड्डू जैसा बन के हो गया है तैयार। अभी उस वाले ब्रेड को भी सेम तरीके से भर कर रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चारों पकोड़े मैंने बना कर रख लिए हैं। अभी रख ली है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैंने एक टुकड़ा डालकर देख लिया है, ऑयल ठीक ठाक गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पकोड़े जल जाएंगे। अभी मैंने इंडक्शन को स्लो कर दिया है और ये चारों पकोड़े इस कढ़ाई में डाल देंगे, और लो टू मीडियम इंडक्शन रखेंगे। लो टू मीडियम गैस पर इसको आप सेक सकते हैं दोनों तरफ से ब्राउन होने तक। याद रखें कि गैस का फ्लेम लो से मीडियम ही रखें, हाई रखेंगे तो जो ये पकोड़े हैं आपके वो जल जाएंगे और अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। आप इसको स्लो गैस पर सेकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर से, क्योंकि इसमें ब्रेड लगाई हुई है तो ब्रेड सेकेगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है हमारे इन पकौड़ों का। तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छे सिककर हो गए हैं तैयार। अभी
एक एक करके हम इनको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही कम ऑयल सोखते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं सोखते हैं क्योंकि पानी में डिप हो जाता है ना ब्रेड, तो ये बहुत कम तेल में बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्रिस्पी से ब्रेड रोल पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, मीठी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे पकोड़े सिककर हो गए हैं तैयार, तो हम इसको खाने वाले हैं सॉस के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर